हेलो बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है पास्ट में आईजीसू की प्रिपरेशन मेरे यूट्यूब की वीडियोस या के प्लस प्लेटफॉर्म से करी है नाउ अब मैं आप लोग के लिए एक नया कोर्स लेके आ रहा हूं बच्चों दिस इज फॉर फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइस इस बैच का नाम जो है हमने विजय वन रखा है एंड यहां पर क्या क्या चीजें मैं आपको कराने वाला हूं कैसे चीजें होने वाली है सारी चीज को मैं आपको इस वीडियो के जरिए क्लियर कट एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो गाइज दिस इज इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड तो आईपीएचओ एग्जामिनेशन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है यह पहले पांचवी स्टेज होती थी उसके अंदर जो है पहले आप एन एसईपी की प्रिपरेशन करते थे फिर आई एन पी एच ओ करते थे फिर ओसीएससी कैंप होता था फिर प्री डिपार्टर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होती थी एंड फाइनली यू गो फॉर द इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड बट नाउ दिन इज चेंज सिनेरियो क्या हो गया है अब एन एसईपी और INPHO तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या दो चीजें क्लब हो गई है NSEP एंड आई ये दोनों को क्लब करके जो है बच्चों यहां पर आईओ क्यूपी एग्जामिनेशन बना दिया गया है सो वी आर टारगेटिंग आईओ क्यूपी एग्जामिनेशन इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर फिजिक्स अब बच्चों जैसे आपने IJSO की प्रिपरेशन करते वक्त देखा था कि IJSO के अंदर भी जो है पहला स्टेज आईओ होता है जहां पर आपको जो है हम आयो क्यूज पार्ट वन एंड आयो क्यूजस पार्ट टू के लिए प्रिपेयर करते हैं ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है अगेन आईओ क्यूपी के दो पार्ट आईओ क्यूपी पार्ट वन एंड आईओ क्यूपी पार्ट टू आईओ क्यूपी पार्ट वन को फोकस करते हुए हमने ये चीज डिजाइन करी है तो गाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स ओलंपियाड इन द फ्यूचर दिस इज द परफेक्ट कोर्स फॉर यू चलिए देखते हैं इस कोर्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूं सो वी हैव नेम्ड दिस कोर्स एज विजय वन

और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं टोटल लेक्चर्स के साथ जो है हम इसका जो है फेज वन लेके आए हैं गई फ्यूचर में भी और कोर्सेज लॉन्च होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं इस कोर्स का नाम विजय वन है फ्यूचर के कोर्सेज जो है विजय टू विजय थ्री विजय फोर वो कंटिन्यूसली लॉन्च होते रहेंगे नंबर ऑफ क्रिजेस वी इट टूर ठीक है इसके अलावा तो पढ़ाने वाले हैं तो मैं आपको बता देता हूं वट वी आर गोइंग टू कवर इन दीज सिक्सटीन लेक्चर्स कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम नाइन्थ मार्च गई नाइन्थ ऑफ मार्च सेमी कंडक्टर के अंदर जो है एनर्जी बैंड से जो है हम शुरुआत करेंगे इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक जो है सेमीकंडक्टर्स पीएन टाइप सेमीकंडक्टर्स ये बात करेंगे पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस में कैसे वर्क करता है डायोड एंड रेक्टिफायर्स क्या होते हैं ट्रांजिस्टर को जो है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन क्या क्या है देन इसके बाद लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल्स को कैसे यूज करना होता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है लॉजिक गेट्स वगैरह सेमी कंडक्टर से प्रैक्टिस सेशन रखेंगे तो कंप्लीट सेमी कंडक्टर बच्चों आपको कवर करा रहे हैं जी एंड नीट के अंदर अच्छा खासा वेटेज होता है इसका ठीक है केवीपीवाई के अंदर भी एसएक्स के अंदर देखा गया है कभी कभी इसके सवाल आते हैं Then इसके अलावा फिजिक्स ओलंपियाड में तो इसका एक या दो सवाल आना पक्का होता ही सर्किट्स क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ ये सब चीजें के जो है मैं आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यहां पर कवर करने वाला हूं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं दिस कोर्स इज नॉट फॉर आइडस इसे कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है बट इस कोर्स को करने से एन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा आईजीएसओ के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा मतलब ये पढ़ के आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें से एक प्रॉब्लम आईजीएसओ में आएगी कभी नहीं आएगी एनटीएससी में कोई प्रॉब्लम आएगी कभी नहीं आएगी हाँ चंडीगढ़ एन चंडीगढ़ ने इससे रिलेटेड जो है सवाल पास्ट में पूछ लिया था बट दैट इज लाइक वन टाइम एक्टिविटी वो फ्यूचर में मेरे ख्याल से रिपीट नहीं होगी सो दिस कोर्स इज प्योरली डेडिकेटेड जो भी बच्चा फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहता है केवीपीवाई की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर प्लानिंग अपनी जे एन नीट की जो प्रिपरेशन है मेरे साथ जुड़ के मेरे कोर्सेस से करे तो चलिए मिलते हैं इस कोर्स के अंदर ऑल द बेस्ट गाइड एंड ध्यान रखना कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए रेफरल कोड आर ए लाइव का जरूर इस्तेमाल करना आर ए लाइव परम सत्य है गाइस ठीक है मिलते हैं कोर्सेज के अंदर